आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है और आज एक नए विषय पर हम सीखेंगे और आज का विषय यीशु मसीह का पहला आश्चर्यकर्म के ऊपर है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह 30 साल का था तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद 40 दिन और रात उन्होंने उपवास रखा, उनकी परीक्षा हुई और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने प्रथम 12 चेलों को चुना। अपने चेले चुनने के बाद यीशु मसीह अपना पहला आश्चर्य कर्म करता है और वो है पानी को दाखरस में बदलना। आज इसी घटना के ऊपर हम थोड़ी देर मनन करेंगे और इस घटना के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, इन बातों के ऊपर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। यह घटना यूहन्ना के सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ सकते हैं। इस घटना को मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह, उनकी माँ, उनके चेलों को एक शादी में निमंत्रण मिला और वो लोग उस शादी में चले गए और शादी में जो है उनको पता चला कि वहां का दाखरस घट गया है। यीशु की माँ यीशु के पास आकर कहती है कि दाखरस घट गया है, तब यीशु मसीह उनसे कहता है कि मेरी समय अब नहीं आया है। लेकिन यीशु की माँ सेवकों से कहती है कि जो यीशु कहे वही तुम करना। अब यीशु मसीह सेवकों से कहता है कि वहां पर 6 मटके रखा है, उन 6 पत्थर के मटकों को पानी से भर दो। सेवक वैसे ही करते हैं। फिर यीशु मसीह उनसे कहता है कि उसी मटके में से पानी निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ और उन्हें जो है चखने के लिए दे दो। और भोज के प्रधान उसको चखता है और कहता है कि इतना बढ़िया दाखरस तुम्हें कहां से मिला। शादी में पहले तो सबसे अच्छा दाखरस देते हैं और उसके बाद मध्यम दाखरस देते हैं, लेकिन तुमने तो सबसे अच्छा दाखरस बाद में दिया है। किसी को नहीं पता था कि यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, ये सिर्फ चेलों को और वहां के सेवकों को पता था। अब इसी घटने पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे और हम देखेंगे कि हम इस विषय से क्या सीख सकते हैं। इस घटने में हम देख सकते हैं उस परिवार एक बहुत बड़ी समस्या में है और समस्या ये है कि शादी के बीच उनका दाखरस खत्म हो गया। हम जानते हैं कि अगर हम किसी शादी में जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहां का गुलाब जामुन खत्म हुआ या वहां का आइसक्रीम खत्म हुआ या फिर वहां का खाना खत्म हुआ, तो हमें मालूम पड़ता है कि उस परिवार के लिए वो एक निंदा का विषय है। ये शादी चलाने वाला परिवार ऐसे एक शर्मनाक स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां पर लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि तुमने शादी सही से नहीं चलाया। लेकिन हम इस घटना पढ़ते समय यहाँ पे पता चलता है कि किसी को भी नहीं मालूम पड़ा कि वहां पर दाखरस की कमी हुई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस कमी को वहां पर पूरा किया। अब हम जरा सोचेंगे कि यीशु मसीह ने उस कमी को पूरा कैसे किया। सबसे पहले यीशु मसीह उस शादी में निमंत्रित थे और इसलिए जैसे ही वहां पर समस्या हुई, यीशु मसीह ने वहां पर जो घटी थी उस घटी को पूरा कर दिया। प्रियो, एक बहुत बड़ी सबक है यहाँ पर। अगर यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में निमंत्रित किया है तो आपके जीवन में होने वाले हर कठिन परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम के बीच में, हर समस्या के बीच में यीशु मसीह आपके लिए रास्ता खोलेगा। वचन में लिखा है, प्रभु की ओर जो आंखें उठाते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता, उनका मुंह कभी लज्जित होने प्रभु नहीं देता है। तो प्रियो, आज सवाल है, क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है? कहने के लिए आपका जन्म एक मसीह परिवार में होगा, लेकिन क्या यीशु मसीह आपके दिल में है? क्या आप यीशु मसीह से बात करते हो और यीशु मसीह की आवाज को आप सुनते हो? तो प्रियो, सबसे पहली सबक, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपकी जीवन की हर एक समस्या को यीशु मसीह सॉल्व करेगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि यीशु की माँ सेवकों से कहती है कि जो कुछ वो कहे वही करना, मतलब जो कुछ यीशु मसीह कहता है वही करना। एक बहुत बढ़िया सबक हमारे लिए, यीशु मसीह जो कहता है वही हमें करना है। चाहे आपके अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, संकट में हो या आपका जीवन बहुत अच्छे से बढ़ रहा होगा, लेकिन फिर भी जो वचन कहता है वही हमें करना है। यीशु मसीह असंभव को संभव कर सकता है। देखिए, परमेश्वर पुराने नियम में इसराइलियों के लिए लाल समुद्र को दो कर देता है ताकि सूखी भूमि से होकर लोग चले समुद्र के बीच में से। मतलब परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, बस बात यह है कि हम प्रभु के वचन को सुने और माने।
तीसरी बिंदु यीशु मसीह सेवकों से कहता है कि जो बाहर पत्थर के 6 मटके रखा हुआ है उसको जो है पानी से भर दो। अब यहां पर सेवक सवाल कर सकते हैं यीशु से, क्यों हमें भरना है, अब क्या करोगे, अब भरने के बाद कुछ फायदा भी होगा, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इन सारी बातों को जो है सेवक पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे यीशु की मां ने उनसे कहा कि जो कुछ वो कहे वो करना, इसका मतलब है सवाल नहीं उठाना, वही ये सेवकों ने किया। प्रियो, हमारे जीवन में अगर वचन हमसे कुछ कहता है तो सवाल नहीं करना, क्यों करना है, इस करने से हमारे जीवन में लाभ होगा क्या। सभी लोग दूसरी बात करते हैं, सभी लोग जो है अच्छे से कमा रहे हैं, एक गलत सिग्नेचर डालने से या अन्य गलत बातों को करने से क्या हमें करना जरूरी है। इस प्रकार के सवाल मत कीजिए। परमेश्वर अर्थात प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है हमें वही करना है, समझौता नहीं करना है, सवाल नहीं पूछना है, लेकिन प्रभु की बातों को आंख बंद करके विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्यों हमें बिना सवाल किए हुए प्रभु की बातों को मानना है, क्योंकि परमेश्वर का काम हमारे समझ से बाहर है। प्रभु जो है जिस प्रकार काम करता है हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम हमारे लिए करेगा कि हम लोग अचंभित रह जाएंगे कि प्रभु ने इतना बड़ा काम मेरे जीवन में कैसे किया, या परमेश्वर के लिए हम बड़े बड़े गवाही दे पाएंगे। नीति वचन 3:5 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आपको हिम्मत देना चाहती हूँ कि पूरे मन के साथ प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। अगला बिंदु हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उन सेवकों से कहता है कि बाहर रखा हुआ उन 6 पत्थर के मटकों में पानी भर दो। यहूदी के रीति के अनुसार पत्थर के मटके जो बाहर रखे थे उनका ये काम था कि जब लोग सफर कर आएंगे तो उसमें से पानी निकालकर वो अपना पैर या हाथ को धो सकते हैं, उसी काम के लिए वो मटके बाहर रखा गया था। उस मटके का कोई इम्पोर्टेंस या कोई वैल्यू नहीं था, बस इतना ही कि लोग पानी लेकर अपना हाथ पैर धो सकते हैं। जब यीशु मसीह एक चमत्कार करना चाहता है, प्रियो देखिए यीशु मसीह कौन सी बातों को चुनता है या किसको चुनता है। बहुत से अच्छे अच्छे बर्तन होंगे जो अंदर शादी के उस मंडप में या शादी के उस जगह पे रखा होगा, सोने चांदी अन्य बातें होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है तो यीशु मसीह पत्थर के उस मटकों को इस्तेमाल करता है जिसका लोगों की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। देखिए यीशु मसीह कैसे काम करता है। प्रियो, आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे कि मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं है, लोगों की नजर में मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, मैं अगर कुछ कहूं तो मेरी बातों को कोई मान्यता नहीं देगा, मुझे कुछ करना है तो मैं कर नहीं पाऊंगा या मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं जो है बहुत छोटा हूं। लेकिन प्रियो, आज आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं, मेरे परिवार में कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे परिवार में कोई मुझे पूछता नहीं है, या मेरे ऑफिस में या मेरे स्कूल में या मेरे रिश्तेदारों के बीच में सबसे कमजोर इंसान मैं हूं, तो प्रियो मैं आपको कहना चाहती हूं यीशु मसीह आपको इस्तेमाल कर सकता है, और जब यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा तो आप लोगों के लिए एक चमत्कार का विषय बन जाओगे। तो अगर आप इस भावना के साथ बैठे हो तो प्रियो आज प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं छोटा हूं, मैं परमेश्वर लायक नहीं हूं, परमेश्वर मुझसे कुछ काम सही से नहीं होता। अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो प्रियो मैं कहना चाहती हूं प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष देगा। प्रभु ने गिदोन को इस्तेमाल किया। गिदोन कहता है कि मैं अपने कुल में, मैं अपने गोत्र में, अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही इंसान को चुनता है कि वो पूरे इसराइल का अगुआ बन जाए। देखिए दाऊद अपने विषय में कैसे कैसे शब्दों को इस्तेमाल करता है। दाऊद कहता है, प्रभु मैं एक मरा हुआ कुत्ते के समान हूं, या प्रभु मैं एक पिस्सू हूं, या प्रभु मैं एक कीड़ा हूं, परमेश्वर मैं किसी बात के लिए लायक नहीं हूं। तो परमेश्वर ऐसे इंसान को इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ा गोलियात को गिरा देता है। इज़राइल देश को संभालने के लिए या राज्य करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। प्रियो, कभी दुखी नहीं होना, परमेश्वर
किसी के द्वारा भी कार्य कर सकता है। क्या आप अपने लाइफ को, क्या आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपोगे, तो बहुत बड़ी चमत्कार का उम्मीद आप कर सकते हो। अगला बिंदु हम देख सकते हैं, यीशु मसीह का पहला चमत्कार है और यीशु मसीह का पहला चमत्कार में यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदल देता है। क्या हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पानी खड़े खड़े दाखरस बन जाए? मेरे ख्याल से तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। लेकिन यीशु मसीह से नामुमकिन कुछ भी नहीं है प्रियो। यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदल सकता है, यीशु मसीह आपके रोने या आपके आंसू को आनंद में बदल सकता है, यीशु मसीह आपके कठिन अवस्था को परमेश्वर बदल सकता है। आपका जीवन का कठिन परिस्थिति क्या है प्रियो? क्या आपके परिवार में शांति की कमी है? पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां हैं या पति पति के बीच में प्रेम नहीं है? एक दूसरे आपस में समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आपके परिवार में एक संतान नहीं है? आपके बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे हैं या आपके बच्चों को सही से जीवन साथी अब तक नहीं मिला है? जो भी आपकी समस्या हो, चाहे एक बहुत बड़ी बीमारी से आप होकर जा रहे होंगे, आर्थिक समस्या से आप होकर जा रहे होंगे, शारीरिक क्लेश से आप होकर जा रहे हैं, मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूं। और वो खुशखबरी ये है कि प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर जो पानी को दाखरस में बदला, वही परमेश्वर, वही यीशु आज मेरे और आपके साथ है। क्या करना जरूरी है? जैसे वो लोग अपनी समस्या को लेकर यीशु के पास आए, उसी समान आज आप अपने समस्या को लेकर यीशु के पास आइए और यीशु से कहे, प्रभु ये मेरी समस्या मेरे लिए नामुमकिन है प्रभु जी, पहाड़ रूपी समस्या है प्रभु जी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु से बात करोगे, परमेश्वर उसको बदलेगा। इतना ही नहीं, बदल कर वो आपके लिए एक गवाही बन जाएगा। परमेश्वर उसी बात को आपके लिए एक आशीष का कारण बना देगा। क्या आप प्रभु के पास अपने समस्या को बताओगे? आखिरी बात, बोझ के प्रधान उस दाखरस को चखने के बाद कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया दाखरस है, पहले जो दाखरस दिया उससे भी अच्छा दाखरस है ये। ये कहां से लेकर आए हैं? ये कहां से लेकर आए? सिर्फ सेवक जानते हैं कि ये पानी है जो यीशु मसीह ने उसको दाखरस में बदल दिया। प्रियो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में है, प्रभु कभी भी सेकंड क्वालिटी आपको नहीं देता है, प्रभु सबसे उत्तम आपके जीवन में देता है। तो प्रियो, आप यीशु को अपने लाइफ में बुलाइए, यीशु से बात कीजिए, यीशु जैसा चाहता है वैसे अपने जीवन को बिताइए, प्रभु आपके लिए सबसे उत्तम रखा है। यिर्मयाह की किताब में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो हानि के लिए नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए है। द बेस्ट मतलब सबसे उत्तम योजना परमेश्वर ने मेरे बारे में और आपके बारे में रखा है। हम हमारे जीवन के बारे में बहुत बहुत कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम परमेश्वर के पास है। तो अपनी बुद्धि कम लगाना, लेकिन प्रभु से कहना, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बस आपकी इच्छा, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर, मैं जानती हूं प्रभु जी कि आप मेरे लिए सबसे उत्तम रखा है। इस प्रकार आप प्रभु से बात करना, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। समाप्त करने से पहले एक और बिंदु मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूं। बहुत से लोग इस पद को गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने काना की शादी में शराब को बांटा। नहीं प्रियो, ये गलत है। उस समय के रीति के अनुसार वहां पर लोगों को दाखरस दिया जाता था। जैसे आज हमारे समय में कोल्ड ड्रिंक्स हो या आइसक्रीम हो या गुलाब जामुन हो, इस प्रकार जो है हर शादी में हम देख सकते हैं, वैसे ही उनके शादी का एक रीति था कि वो दाखरस दे। बाइबल में जो है हम साफ ये पढ़ सकते हैं कि कोई भी पियकड़ या कोई भी शराब पीने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये घटना को लेकर जब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने शराब पिलाया, वो गलत है। कभी भी यीशु मसीह ने वो नहीं किया, और हमें बाइबल की बातों को गलत रीति से नहीं समझना और नहीं सिखाना चाहिए। प्रियो, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। वही परमेश्वर यीशु मसीह जो काना की शादी में था, आपके परिवार में है, आपके जीवन में है। तो आप खुश रहिए कि आपकी सारी समस्याओं के बीच में यीशु आपके साथ है और आपके लिए रास्ता खोलेगा।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।